सो गाइज गुड मॉर्निंग, और सुबह हो चुकी है और यह है मेरे पीछे नज़ारा। आज थोड़े बादल लगे हुए हैं लेकिन अभी थोड़े टाइम बाद धूप आ जाएगी। तो प्लान थोड़ा मार्केट जाने का है, फिर अपना गांव जाने का है और वहाँ पर थोड़ा कार्यक्रम है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और आपको दिखाता हूँ आगे क्या क्या होने वाला है। घर में ही सूरज बनाया है और इसको भी हमें खुद पेंट करना पड़ रहा है मुझे आज, तो मैं पेंट कर रहा हूँ उस पर। तो गाँव में क्या होता है कि हम लोग खुद ही अपना काम कर लेते हैं, तो ऐसे किसी बाहर से किसी बंदे को हायर नहीं करते। और अच्छी धूप आ रही है काफ़ी, तो इतना कुछ परेशानी भी नहीं होती है। गरीब में हमारा सब कुछ उगता है, खाना पीना सब्जी। पेंट कर रहा हूँ, इसका मैं फाइनल लुक आपको कल दिखाऊंगा। सो गाइस लंच का टाइम हो चुका है और देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया है। थोड़ा बहुत सरप्राइज होने वाला है और लेट्स सी। मम्मी खाना क्या बनाया आज? हैं खाना क्या बनाया मम्मी? ये भटका साग है। ये क्या है? भटका साग है। अच्छा भटका साग है, पुलाव है और सूखी सब्जी है। ये सूखी सब्जी है। वाह। और इसमें सलाद है। तो गाइस खाने की तैयारी हो चुकी है और खाना पूरा रेडी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है खाना देखने में। और मम्मी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया। यह है भट्टे की भट्टे का साग है और यह है सब्जी। यह है कढ़ी की तरह होता है और खाना मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसा हो रहा है। तो उसको खाने का तरीका, इसको मिक्स करने का तरीका है ये। आम से आपने साग मिक्स किया, थोड़ा सा आपने हरी सब्जी डाली इसमें और साथ में आपने थोड़ा सा ये डाला, ठीक है। इसको मिक्स करके आप इसको आराम से खाओ। मज़ा आ गया। और साथ में है ग्रीन सैलड, गाजर मूली का सैलड है, तो मज़ा आ रहा है खाने में। गाइस ये हमारा है लिंक रोड जो काफ़ी बिजी रहता है हर टाइम, और ये हमारा स्कूल जाने वाला रोड है जहाँ पर हम जाते थे, और अभी इसको वन वे कर दिया है। और पार्किंग का भी यहाँ पर ये सिस्टम है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लेफ्ट साइड, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे राइट साइड पार्किंग होती है। निर्मल जैसे हैं? निर्मल जागी नहीं है, उसकी उसकी टायर मोटे हैं भाई। हैं? उसने नहीं मोटे टायर लगा रखे थे। टकना रोड से नीचे को जाने वाली रोड और ये ज़्यादातर कंजेस्टेड रहती है। देखिए आप भाई भाई खड़ी यहाँ पर खड़ी कर रखी है, और यहाँ से अगर आप देख पाओगे तो ये यहाँ पे आपका सरकारी काम होता है, जैसे विकास भवन है। विकास भवन है ये रहा। विकास भवन। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी हो चुकी है यहाँ पर, मेडिकल की और एटीएम्स की भी है, लेकिन एटीएम यहाँ पर 7 बजे बंद हो जाते हैं। और पेट्रोल और देखिए यहाँ पे केजरीवाल भी आने वाले हैं। हाँ तो केजरीवाल के फॉर्म में लग रहे हैं यहाँ पर, पोस्टर भी आपको हर जगह पर नजर आएंगे। अभी हमें घूमने में बहुत मजा आ रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि घूमते घूमते हम आपको भी थोड़ा घुमा लें, इन्फॉर्मेशन दे दें। तूने स्टेडियम तो दिखाई नहीं। अच्छा स्टेडियम भी, अभी स्टेडियम तो दिखे, स्टेडियम किसी और नहीं जाएंगे अब। यहाँ से स्टेडियम दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, काफ़ी कंजेस्टेड हो गया ना। तो यार सो गाइज अभी इस टाइम मैं हूँ आठगांव सिलिंग में, और यहाँ से हिमालय का व्यू मेरे सामने है, और वो रहा हिमालय मेरे सामने, और यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है। और शाम हो चुकी है इस जगह पे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है। मेरा दोस्त मुझे मिलने आया तो हमने सोचा यहाँ का एक ट्रिप मार लें। और मेरे ऊपर जो जगह है वो जगह है, वो जो सामने जगह है वो सब पूरा ऊपर आठगांव सिलिंग है, तो आपको मैं आगे का व्यू भी दिखाता हूँ, है ना। ये यहाँ का एरिया है आसपास। बाकी हम आठगांव सिलिंग से जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपका रोड का व्यू दिखाता हूँ, और आपको मैं अपने गांव जब जब पहुँच जाऊँगा तो आपको गांव की रोड भी दिखाऊंगा। मेरे को अभी देख रहा है, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी कंटेंट आप मिस ना करें। तो यार यहाँ पर से बहुत ही अच्छा व्यू आता है, तो देखो अंकल आंटी भी रुक गए यहाँ पर व्यू कैप्चर करने के लिए। तो ये है देखो व्यू। काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, काफ़ी मोड़स हैं कट्स हैं, तो आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ता है।
और जब अगर सूरज की रोशनी आए तो आंखें अंधेरी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। ये है गाइस यहाँ का व्यू। अभी मैं इस टाइम पे नेपाल बॉर्डर के बहुत पास हूँ और मेरे यहाँ से नेपाल की जो बॉर्डर है और हिमालय है वो साफ दिखता है। आगे मैं आपको व्यू दिखाता हूँ हिमालय और नेपाल का। अभी मेरे सामने नवोदय स्कूल है जो हिमालय से यहाँ से साफ व्यू दिखता है और ये गवर्नमेंट स्कूल है। जैसे भी काम चल रहा है यहाँ पर मस्त हो के भाई साहब लगे हैं। यह है मेरा एरिया, वो आगे आप व्यू देख सकते हैं हिमालय का और नीचे नवोदय स्कूल है। वाओ गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूं सिमलकोट और मेरे सामने वो दिख रहा है हिमालय का व्यू। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है हिमालय का और ये जो प्रकृति का जो एक नज़ारा है वो इन गांवों के लिए बहुत अच्छा है। गाइस ये है मेरा गांव जो यहां बसा हुआ है और यहां तक रोड जाती है पूरी। क्या मस्त मजा नज़ारा है, वाह मजा आ गया। तो गाइस शाम हो चुकी है और अपने गांव पहुंच चुका हूं। गांव में कुछ पूजा है तो हम वो रात को अटेंड करने वाले हैं क्योंकि वो रात के 2 बजे तक चलने वाली है। तो पूजा का मैं आपको कल व्यू दिखाऊंगा और आज मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड करता हूं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर एंड बी हेल्दी, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और मिलते हैं आपसे कल एक और वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।